हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस को डिस्कस करेंगे। इसमें हम कंज्यूमर सरप्लस की थ्योरी को डिस्कस करेंगे और हम आइडिया लेंगे यूटिलिटी थ्योरी का। हम यूटिलिटी थ्योरी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस थ्योरी मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी पर बेस करती है, इसलिए हम यूटिलिटी का थोड़ा सा आइडिया लेंगे। ठीक है। अच्छा, कंज्यूमर सरप्लस का जो एक आइडिया था वो बेसिकली जोस डिप्यूट ने दिया था। जोस डिप्यूट एक फ्रेंच इंजीनियर थे, लेकिन उनका जो ज्यादातर काम था, उनका जो इंटरेस्ट था वो इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में था। उन्होंने बेसिकली एक 1844 के अंदर एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने कंज्यूमर सरप्लस का जिक्र किया था, एक इंट्रोडक्शन दिया था कि एक कंज्यूमर सरप्लस होता है। बाद में अल्फ्रेड मार्शल ने एटीन नाइनटी के आसपास इस आइडिया को रिफाइन किया और पॉपुलराइज किया, इसीलिए इसको मार्शलियन कंज्यूमर सरप्लस कहा जाता है। ओके, पहले ये आइडिया तो जूल्स डिप्यूट ने दिया था 1844 के अंदर, लेकिन बाद में अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 के अंदर इसको रिफाइन किया और इसको पॉपुलराइज किया। अच्छा, कंज्यूमर सरप्लस आपको कंज्यूमर सरप्लस भी मिल सकता है और कहीं कहीं आपको ये इस तरह भी लिखा मिलेगा, प्लूरल में पोस्टोफियस, तो उस पर कंफ्यूज ना हो, दोनों सही हैं। है क्या ये बेसिकली? ये एक बेसिकली एक मॉनेटरी गेन है विच इज ऑब्टेन बाय द कंज्यूमर बाय पेइंग लेस प्राइस देन द हाईएस्ट प्राइस दे आर रेडी और विलिंग टू पे। मैंने दिमाग के अंदर एक प्राइस सेट किए हुए हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर मैं इतना प्राइस दे दूंगा, यानी ये प्राइस मेरी यूटिलिटी को, मैंने कहा ना यूटिलिटी पर बेस करती है ये, तो इस बात को जहन में रखिएगा। ये पर्टिकुलर प्राइस अगर मैं पे करूंगा तो मेरी ये यूटिलिटी पूरी हो जाएगी, मेरा सेटिस्फेक्शन पूरा हो जाएगा, लेकिन वो चीज उससे कम पैसों में मिल गई जितना मैंने सोचा था। तो जितना मैंने सोचा है उसमें से जितनी की वो मिली है, अगर हम उसको निकाल देंगे तो जो बचेगा वो कहलाता है कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू विलिंग टू पे माइनस एक्चुअल पेड। मान लीजिए मैंने दिमाग में रखा था कि मैं जो 50 रुपीज पे करूंगा इस काम के लिए, ये मुझे खाना खाना है और मुझे 50 रुपीज में मेरा पेट भर जाए, मुझे पूरा पेट भर जाएगा 50 रुपीज में। ठीक है, लेकिन मैं जब मैं गया तो वहां पर खाना मुझे 40 में मिला, तो 40 में मेरी यूटिलिटी तो पूरी हो गई ना, जो मुझे भूख लगी थी वो भूख तो मेरी पूरी हो गई। तो इसका मतलब यह है कि जो 10 बच गए वो कंज्यूमर सरप्लस है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस, ये तो बेसिकली विलिंगनेस टू पे, मैंने बताया था कि हमारी यूटिलिटी है टोटल, विलिंगनेस टू पे हमारी टोटल यूटिलिटी है। तो अगर हम इसको टोटल यूटिलिटी मान लें और एक्चुअल पे, एक्चुअल पेड, तो वो भी कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है, मतलब कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली व्हाट यू आर विलिंग टू पे माइनस व्हाट यू एक्चुअली पेड। लेकिन अगर हम उसको, जो हम पे कर रहे हैं बेसिकली, ये 50 क्या है जो मैंने बताया, ये हमारी यूटिलिटी है ना टोटल, यानी 50 रुपीस पे हमारा पेट भर जाएगा, हमारी यूटिलिटी पूरी हो गई, वही काम 40 में हो गया, तो ये हमारी टोटल यूटिलिटी है ना, और ये हमने पे किया एक्चुअली, तो जो बचे बचकर आएगा 10 वो हमारा कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। ये जो हमारी कंज्यूमर सरप्लस थ्योरी है ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर बेस करती है। डिमिनिशिंग
मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एज वी परचेज मोर यूनिट्स ऑफ ए कम्युनिटी इट्स मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. Means the consumer is in equilibrium when the marginal utility became, or you can say, is equal to the price of that commodity. हम कोई भी product, कोई भी commodity जो हम ले रहे हैं, अगर हम उसी को खरीदते चले जाएंगे, तो जो हर additional unit पर जो हमें utility मिल रही है, वो घटती चली जाएगी. हम example ले लेते हैं, चलिए, इसमें थोड़ा सा दो चार मिनट लगेंगे लेकिन ये चीज समझ में आ जाएगी. मान लीजिए हम लोग एक सपोज कर लीजिए पानी, हम बहुत थके हुए आए हैं और हम पानी पी रहे हैं. जब हम थके आएंगे तो एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास, चार गिलास, छोटे गिलास से तो आदमी ज्यादा पानी पी जाता है. सपोज कर लीजिए ये नंबर ऑफ यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट्स यानी गिलास ऑफ वाटर समझ लीजिए, ठीक है. अब मान लीजिए अगर हमें लग रहा है कि हमें एक गिलास ऑफ वाटर मिल जाए तो हमारी यूटिलिटी कुछ कम हो, कुछ सेटिस्फाई होगी. तो हम ये मान के चलते हैं कि इस गिलास की ये हम मान लें यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ले लीजिए, और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये विलिंगनेस टू पे है, ये हमारा विलिंगनेस है, विलिंगनेस टू पे. यानी पहले गिलास के अंदर हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हम बहुत तेज प्यास है, अगर मिल जाए तो मैं 30 पे कर दूंगा. तो बेसिकली 30 क्या है, ये उस गिलास की यूटिलिटी है. ये जो 30 है ये क्या है, इस वाले गिलास की यूटिलिटी है. यानी अगर हम और गिलास लेंगे तो उसकी यूटिलिटी और होगी, और लेंगे और होगी. तो इसका मतलब ये जो विलिंगनेस टू पे है ये मार्जिनल यूटिलिटी भी है. मार्जिनल यूटिलिटी कौन सी होती है, यूटिलिटी ऑन एवरी ग्लास ऑफ वाटर. हर, मैंने बताया ना कि हर प्रोडक्ट जो जो क्वांटिटी हम खरीदते जाएंगे उसकी यूटिलिटी अलग होती है, और जाहिर है वो घटती जाती है. कैसे घटती है मैं भी आपको आइडिया देता हूं इसका. अब हम गए, हमें एक गिलास पानी चाहिए था, वहां हमने उससे पूछा कि कितने की है ये गिलास, मुझे, मैंने दिमाग में रखा हुआ है कि 30 पे कर दूंगा. इफ आई एम रेडी टू पे द 30 दैट मीन इट्स द यूटिलिटी ऑफ दैट ग्लास. और मैंने उससे जाकर पूछा कि एक गिलास कितने का है, उसने बताया जो प्राइस है ग्लास ऑफ वाटर के, उसने कहा वो 20 है, उसने कहा ये ग्लास 20 का है. अब क्या हुआ, मेरी यूटिलिटी तो 30 थी लेकिन मुझे वो 20 ही में मिल गया, तो डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों में, 10. वो 10 क्या है, ये मेरा सरप्लस है, विच इज कॉल्ड ए कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है. What I am willing to pay minus what I actually paid. Price में actually pay कर रहा हूं ना, तो जो difference निकल के आएगा वो consumer surplus हो जाएगा. अब ये diminishing कैसे होता है, देखिए आप जब थके हुए आए और थके हुए आकर आपने एक गिलास लिया पहला वाला और गिलास आपने पिया, एक गिलास पानी पीने के बाद मान लीजिए दूसरा गिलास अब पानी अगर आप उठा रहे हैं तो क्या वो दूसरा गिलास पानी आपको उतना ही सेटिस्फेक्शन देगा जितना पहले ने दिया था, नहीं ना, उसका सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम होगा. खाना खाते हैं आप तो एक ब्रेड आपने खाया, जब दूसरा ब्रेड आप खाएंगे तो उसकी यूटिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, वो सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा कम देता है. पानी आप पी रहे हैं एक गिलास, पहले गिलास बहुत अच्छा लगेगा, बहुत थका हुआ हूं, एक गिलास पानी पिया वो थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब दूसरा उठाऊंगा तो उस गिलास से सेटिस्फेक्शन कंपैरेटिवली पहले से थोड़ा सा कम मिलेगा, ठीक है. तो हम मान के चलते हैं कि उस हमने दूसरा गिलास लिया पानी का, उससे हमें जो यूटिलिटी मिली वो 28 मिली, डिमिनिश कर रही है ना यूटिलिटी, तो इसीलिए तो कहा जाता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ऑन एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ दैट कम्युनिटी द यूटिलिटी डिक्रीजिंग, डिमिनिशिंग. उससे हमने पूछा कि ये दूसरा गिलास कितने का है, उन्होंने कहा कोई भी गिलास ले लीजिए सब 20 के हैं.
इसका मतलब ये हुआ कि जब अगर हमने आगे यूनिट्स को और अगर हम परचेस करते चले जा रहे हैं तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस घट रहा है, कंज्यूमर सरप्लस कम होता जा रहा है। ठीक है, दो गिलास पानी पी लिया, अब तीसरा गिलास पानी पियेंगे तो उसकी यूटिलिटी और कम हो जाएगी। अब तो अच्छा खासा पानी पी लिया है, चलो अभी थोड़ी सी प्यास है, एक गिलास और पी लेते हैं, 26। और उससे पूछा, उन्हें कहा 20 है, तो यहां 6 हो गई। इसी तरीके से हम गिलास ऑफ वाटर लेते जा रहे हैं, उससे खरीदते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। 26 थी, इसकी 24 हो गई, इसकी 22 हो गई, इसकी 20 हो गई, और यहां पर 18 हो गई। हमने प्राइस पूछे थे, उन्होंने कहा सारे ग्लास 20-20 के हैं। अब देखिए, अब जरा इसको अगर हम कैलकुलेट करें कंज्यूमर सरप्लस को, तो यहां 4 हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा, यहां 0, और यहां तो कंज्यूमर सरप्लस है ही नहीं, क्योंकि ये तो और पीछे चले गए हम। हमारी यूटिलिटी यहां पर 18 है और प्राइस ज्यादा है, तो हमारी तो यूटिलिटी कम रहेगी ना, उस प्राइस पे हम उसको खरीद नहीं पाएंगे, तो यहां तो कुछ हो गई नहीं सरप्लस। यहां जो एक बात कही थी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां होगा, अभी कहा था ना कि द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स इक्वल टू द गिवन प्राइस। तो यहां आपकी मार्च 6 यूनिट पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी गिवन प्राइस के इक्वल हो गई। ठीक है, तो वो शख्स जब वो गिलास पीता रहेगा, वो उस वक्त तक पीता रहेगा जब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उस गिलास के प्राइस के बराबर ना हो जाए। दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी बिकेम इक्वल टू द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। गिवन प्राइस कह लीजिए पर यूनिट ऑफ टाइम, और ये यूटिलिटी हमेशा घटती चली जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये माना जाता है कि नेगेटिव में भी चली जाती है। अब नेगेटिव में कैसे जा सकती है, मान लीजिए आपने गिलास वाटर पिया, अब पेट भर गया, पेट में दर्द हो रहा है, उन्होंने कहा नहीं एक गिलास और पी लो। अब आप जब एक गिलास पानी और पियेंगे तो पेट तो बिल्कुल टाइट हो जाएगा, दर्द होने लगेगा, अब सेटिस्फेक्शन की जगह डिससेटिस्फेक्शन शुरू हो गया। द पॉइंट वेयर योर डिससेटिस्फेक्शन इज स्टार्टेड, यूटिलिटी गोज इन नेगेटिव। वो पॉइंट जहां पर आपका सेटिस्फेक्शन जो है वो नेगेटिव में जाएगा, तो जाहिर है आपकी यूटिलिटी भी नेगेटिव में जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए, फिफ्थ यूनिट तक कंज्यूमर सरप्लस एंजॉय कर रहा है, फिफ्थ यूनिट तक कंज्यूमर सरप्लस एंजॉय कर रहा है। सिक्स यूनिट क्योंकि उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां उसका सरप्लस जीरो हो गया और उसके नीचे चल ही नहीं सकता, क्योंकि वहां उसकी यूटिलिटी लेस देन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी हो जाती है, तो वो काम करेगा नहीं। ठीक है, अच्छा अब ये कंज्यूमर सरप्लस कैसे देखते हैं, कैसे निकलते हैं, इसको हम एक फिगर के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए इस फिगर से समझते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। देखिए ये ग्राफ है, इस पर वाई एक्सिस पर हमने प्राइस लिया है, जो प्राइस सेम है पी पर, ये प्राइस सेम है, कितनी यूनिट आप परचेज कीजिए, और हमने यूटिलिटी ली है इसके ऊपर, यानी अब ये हमारा क्वांटिटी इधर है और यूटिलिटी इधर है, और ये हमारा D1 मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है। D1 हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है। ठीक है, अब देखिए यहां एक चीज देखने की है कि जब हमारा ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यहां क्वांटिटी है और यहां मार्जिनल यूटिलिटी है, जब कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते चले जाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी घटती चली जाएगी। यहां जैसे जैसे गिलास ऑफ वाटर हम बढ़ाते चले गए, मार्जिनल यूटिलिटी घटती चली जा रही है। ठीक है, मैं एक आपको एक जनरल थंब रूल बताऊं कि मान लीजिए दो तरह की
रिलेशन होते हैं, एक तो डायरेक्ट होता है और एक इनवर्स होता है। ग्राफ कोई आपसे बनाकर पूछे कि ग्राफ में कि कौन सा डायरेक्ट रिलेशनशिप है, कौन सी इनवर्स है, बिल्कुल एकदम दिमाग में रखिए, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो इनवर्स रिलेशनशिप है, और अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो अपवर्ड स्लोपिंग है। ये रूल है, कोई भी वेरिएबल हो, वेरिएबल्स कोई भी हो, जरूरत नहीं है कि वो यहां क्वांटिटी प्राइस और ये सब हो, कोई भी वेरिएबल हो, अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल्स के बीच में, और अगर अपवर्ड स्लोपिंग है तो दोनों वेरिएबल्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, तो यहां हमारा ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो ये बता रहा है कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल यूटिलिटी एंड द क्वांटिटी, एंड लुक हियर, इफ द क्वांटिटी इंक्रीजिंग द मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग, तो ये आपका क्लियर हो जाता है कि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, यहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजिशन पर है कि वो ओक्यू क्वांटिटी खरीद रहा है ओपी प्राइस पर, ये हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट है कंज्यूमर का, ओक्यू क्वांटिटी वो परचेस कर रहा है ओपी प्राइस पर, ये तो क्वांटिटी वो खरीद रहा है, यूटिलिटी कितनी है उसकी, ये तो मार्जिनल यूटिलिटी हम दिखा रहे हैं, डिमिनिश हो रही है, डिमिनिश होना कहां से शुरू हुई है, इस पॉइंट से, यहां से यूटिलिटी डिमिनिश होती चली जा रही है, तो टोटल मार्जिनल टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल यूटिलिटी है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी पहले गिलास की यूटिलिटी दूसरे की तीसरी की जो हम सबको जब प्लस कर लेंगे तो हमें टोटल, भाई ये सारे गिलास जा तो पेटी में रहे ना तो सेटिस्फेक्शन तो पेट को दे रहे ना, पहले ने 30 दिया फिर 28 दिया फिर 26 दिया, तो ये सब पेट में जाने यूटिलिटी तो जमा हो रही है ना हमारे पेट के अंदर, सेटिस्फेक्शन तो हमें मिलता जा रहा है ना, तो जब हम सबको प्लस कर लेंगे तो टोटल यूटिलिटी हो जाएगी। ग्राफ के अंदर ये टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या है हमारी, ओ क्यू ई डी, ओ क्यू ई डी, ओ क्यू ई डी, ये जो पोर्शन है ये हमारी टोटल यूटिलिटी है। ठीक है, अब इस टोटल यूटिलिटी में से टोटल यूटिलिटी तो हमारी ओ से डी तक जा रही है, टोटल यूटिलिटी ओ से डी तक जा रही है, लेकिन हम पे कितने के लिए कर रहे हैं, हमें सेटिस्फेक्शन पूरा ही मिल रहा है, जैसे मैंने उसमें आपको एग्जांपल दिया था कि हम गिलास और वाटर पी रहे हैं 50 का है, 50 हमने सोचा था गिलास के लिए दे देंगे लेकिन हमने 40 दिए, तो 40 में भी हमारा सेटिस्फेक्शन तो पूरा हुआ, यूटिलिटी तो पूरी मिली, तो यहां पर ओपी प्राइस हम पे कर रहे हैं लेकिन यूटिलिटी तो हमें पूरी ही मिल रही है ना, ये हमने पे किया और यूटिलिटी हमें मिल रही है यहां तक, तो ये पोर्शन क्या है, ये जो पोर्शन है ये कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। भाई उसने पहला सपोज कर लीजिए उसने पहली क्वांटिटी खरीदी, यहां पर उसने पहली खरीदी यहां पर, ठीक है, अब उसने ये पे किया और ये खरीदी, लेकिन अभी तो उसके पास काफी मौका है, ये इसका कंज्यूमर सरप्लस हो गया ये वाला, उसने फिर क्वांटिटी बढ़ा दी इतना हो गया तो ये उसका सरप्लस जा रहा है, अब उसने यहां से बढ़ा दी, कुल मिलाकर वो कब तक खरीदता जाएगा, कब तक प्रोडक्शन प्रोडक्ट को वो खरीदता रहेगा, जब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस ना हो जाए, मतलब ये जो हमारा पॉइंट है पी, ऑन दिस पॉइंट द प्राइस इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी, हर एडिशनल यूनिट उसको कम कर रही है कंज्यूमर सरप्लस को, लेकिन टोटल सरप्लस बढ़ता चला जा रहा है, तो इसको हम हटा दें यहां से, ये मैंने समझाने के लिए किया, तो ये जो पोर्शन निकल कर अब आ गया आपका ये कहलाता है कंज्यूमर सरप्लस, यही आपका कंज्यूमर सरप्लस है, यानी टोटल यूटिलिटी तो है उसकी ओ क्यू ई डी, ठीक है, और आप उसको पीपी लगा सकते हैं लेकिन कहने का मकसद ये वाली पूरी है, लेकिन वो पे कर रहा है सिर्फ ओ क्यू ई पी, ओ क्यू ई पी, क्या बचकर आ रहा है पी ई डी, ये पी ई डी
कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम मार्शल का, ये मार्शल की थ्योरी है, मार्शल जिस तरीके से उन्होंने कैलकुलेट किया है, तो मार्शल थ्योरी के अंदर इस तरीके से हम कंज्यूमर सरप्लस को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, कुछ लिमिटेशंस भी हैं जहाँ पर हमें लगता है कि कंज्यूमर सरप्लस पूरी तरह से काम नहीं करता। और प्रोफेसर निकलसन ने तो ये भी कहा है कि इट्स ए इल्यूजनरी और यू कैन से इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल थ्योरी। कंज्यूमर सरप्लस वो कहते हैं कि इल्यूजनरी है, इमेजिनरी है या हाइपोथेटिकल है। ठीक है, तो वो वजह क्या है इनकी, क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेशन है। जैसे पहली ही लिमिटेशन है, यूटिलिटी इज एन अनमेजरेबल आइटम एज द यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। हर चीज की यूटिलिटी, देखिए यूटिलिटी एक कार्डियल मेजर है ना, हम उसको किसी यूनिट में तो लिख नहीं रहे। मैंने कहा कि हाँ मेरा पेट भर गया, बस लिख लिया, आपने कहा नहीं भरा है, लेकिन रियलिटी तो नहीं पता। तो यूटिलिटी इजीली मेजर नहीं होती, क्योंकि हर आदमी का, एक आदमी का दो गिलास से पेट भर जाता है, एक का तीन से भरता है, एक का दस से भरता है, तो डिपेंड करता है ना, तो इसलिए यूटिलिटी अनमेजरेबल है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, जहां टेस्ट आ जाता है वहां यूटिलिटी नहीं देखी जाती। आप एक्यूरेटली कर ही नहीं सकते, टेस्ट में आदमी ज्यादा खा जाता है, टेस्ट नहीं है तो नहीं खाएगा बिल्कुल भी, तो कैसे आप यूटिलिटी करें, पेट नहीं भरा लेकिन टेस्ट नहीं आ रहा उसका। तीसरी चीज है, जैसे हमारे पास कुछ कन्वेंशनल नेसेसरी गुड होती है, जैसे सॉल्ट, आप सॉल्ट की किस तरीके से यूटिलिटी को मेजर करेंगे, वो तो इनफाइनाइट हो जाती है और आप उसको मेजर नहीं कर सकते। तीसरी चीज होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं पानी से अपनी यूटिलिटी को, ठीक है, पानी महंगा, अगर प्राइस उसके ज्यादा हो गए बीच में तो मैंने शरबत पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, कुछ और पी लिया, तो अगर किसी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट मौजूद हैं तो वो कंज्यूमर सरप्लस को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। ठीक है, चौथी चीज, देयर इज नो सिंपल रूल फॉर ड्राइविंग द यूटिलिटी स्केल आर्टिकल्स विच आर यूज फॉर देयर प्रेस्टीजियस वैल्यू। डायमंड को आप एग्जाम्पल ले लीजिए, डायमंड एक प्रेस्टीजियस वैल्यू है, आप किस तरीके से यूटिलिटी स्केल को ड्राइव करेंगे यहां पर। मैं अगर कोई आदमी डायमंड खरीद रहा है तो वो एक, अब जाहिर है अगर जिसको डायमंड का शौक है वो खरीदता जाएगा, बहुत पैसे वाला है, आप उसकी यूटिलिटी को कैसे मेजर करेंगे, है ना। एक शख्स गरीब है, डायमंड नहीं खरीद सकता, उसको ख्वाहिश है नहीं खरीद पा रहा है, उसकी यूटिलिटी को कैसे मेजर करेंगे। तो यहां पर प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर कोई चीज, जो कोई प्रोडक्ट प्रेस्टीजियस वैल्यू रखता है तो वहां आपके पास कोई सिंपल रूल नहीं है कि उसकी ड्राइव यूटिलिटी को ड्राइव कर सके। ठीक है, एक पांचवा है जिसमें कि मार्शल ने इस बात को अज्यूम किया है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। वो कहते हैं कि मार्जिन अजम्पशन, मार्शल ने एक अजम्पशन लिया है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब यहां हो जाती है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कॉन्स्टेंट कैसे हो सकती है, कहने का मतलब यह है कि मनी आप खर्च कर रहे हैं तो उसकी यूटिलिटी घट रही है, तो वो कहते हैं कॉन्स्टेंट है, मनी की वैल्यू नहीं घटेगी, मनी की वैल्यू उतनी रहेगी हर बार। लेकिन आपको एक आईफोन चाहिए, आपके पास पैसे हैं, आपने उस पैसे से आईफोन खरीद लिया, तो आपकी यूटिलिटी पूरी हो गई ना, वहां यूटिलिटी पैसे की। अब आप दूसरा आईफोन खरीदने जाएंगे तो जरूरत है नहीं है, तो वहां पैसे की यूटिलिटी घटी ना आपकी, फिर जो आपके पास रिजर्व था वो कम हुआ ना। तो इसका मतलब जो एक सिस्टम है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी सेम रहती है, वो सेम नहीं है, रियलिटी में वो भी घटती है। ठीक है, तो यही कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से प्रोफेसर निकलसन ने ये कहा था कि ये जो कंज्यूमर सरप्लस है ये इल्यूजनरी है, इमेजनरी है, हाइपोथेटिकल है, मतलब उनका कहने का था कि इसमें रियलिटी नहीं है। ठीक है, तो यही था थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मुझे एडवाइस दीजिए। थैंक यू सो मच।